तो हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉसुर में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बेसिकली बात करेंगे जो एफसीआई का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है, जो कि वेरियस पोस्ट में मतलब था, उसका प्रीवियस ईयर का पेपर है, उसका एनालिसिस करेंगे। देखिए, बहुत सारे लोगों का ये कमेंट्स था कि सर, ये तो बेसिकली एफसीआई वॉचमैन का प्रीवियस ईयर का पेपर नहीं है, तो प्लीज़ एफसीआई वॉचमैन के जो प्रीवियस ईयर का पेपर है वो सॉल्व कराइए। तो मैं उन सभी के यहाँ पे स्टार्टिंग में डाउट्स क्लियर कर देना चाहता हूँ। आपका कहना एकदम वाजिब बात है, आपका कहना 110% सही है, क्योंकि आप सभी का ये सवाल बनता भी है कि सर, एफसीआई वॉचमैन के लिए एग्जामिनेशन आने वाला है, तो उसका प्रीवियस ईयर का पेपर कराइए। जी हाँ, कोई दिक्कत नहीं, हम उसका भी पेपर कराएंगे। जैसे उसका प्रीवियस ईयर का पेपर मिलता है, वो आपको प्रॉपर तरीके से मिलने के बाद प्रॉपर डेली के डेली आपको उसका एनालिसिस मिल जाएगा, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन और फैक्ट आपको दोनों चीज़ मिल जाएंगे। लेकिन अभी जैसे उसका पेपर मेरे पास नहीं है, लेकिन जैसे मिलता है तो फिर मैं उसके बाद उसका भी सॉल्व आउट करूंगा। लेकिन देखिए, मेरे को ये वीडियो बनाने का बस एक ही पर्पस रहता है कि आपको एक हिसाब से आपको ये जानना ज़रूरी है कि पेपर किस टाइप से आता है, उसका क्राइटेरिया क्या रहता है। मानता हूँ कि जो पेपर होता है वो आपका बेसिकली 8th से 10th स्टैंडर्ड के बीच होता है, तो उसमें, लेकिन इसलिए मैं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए केवल जीके का क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्योंकि जीके का क्वेश्चन ऐसा है कि उसके लिए कोई 8th स्टैंडर्ड होता है ना 10th स्टैंडर्ड, वो तो भाई कंपिटिशन एग्जाम है, तो उसके हिसाब से। क्योंकि देखिए, एक 10th और 12th लेवल के में भी आपको अगर पूछना होगा तो पूछेगा कि हु इज़ द इंडियाज़ प्राइम मिनिस्टर, और आपके अगर एफसीआई का है उसके में भी पूछ सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, तो कुछ क्वेश्चन सिमिलर होते हैं, इसलिए इसको करा रहा हूँ। तो फिर चलिए, बिना किसी टाइम इसके वीडियो को स्टार्ट करते हैं ना। यहाँ पे आज का फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ना कि लॉगिन एवं पासवर्ड की सत्यता जाँच कहलाता है। आप सभी को पता है, जब आप किसी भी वेबसाइट में या फिर आपका पर्सनल अकाउंट जब ओपन करते हो, तो उसमें आपसे जो यूज़र आईडी पासवर्ड लिया जाता है वो किससे रिलेटेड है। क्वेश्चन का पूछने का तरीका बिल्कुल यही है, क्या लॉगिन एवं पासवर्ड कॉन्फिगरेशन से संबंधित है, या फिर एसेसिबिलिटी से, या फिर एथेंटिकेशन से, या फिर लॉगिन से। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एथेंटिकेशन से। ठीक है, ऑथेंटिकेशन से, जब आप यूज़र आईडी पासवर्ड लेते हो, तो जब आप एंटर करते हो ना, तो वो बेसिकली आपसे एथेंटिकेशन लेता है, आपसे सिक्योरिटी की जांच करने के लिए। ओके, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एथेंटिकेशन। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक पैरिटी बिट, यहाँ पे एक पैरिटी बिट क्या होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर, पहला नंबर देख सकते हैं आप लोग, अपर केस वर्णों को इंगित करने में प्रयोग किया जाता है, या फिर त्रुटियों का पता लगाने में प्रयोग किया जाता है, या फिर बाइट में प्रथम बीट होता है, या फिर बाइट में अंतिम बीट होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, त्रुटियों को पता लगाने के लिए एक पैरिटी बीट होता है। ओके, तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, तीसरा नंबर का क्वेश्चन यहाँ से फिजिक्स रिलेटेड है ना, भौतिक से संबंधित है। मिट्टी का तेल, थारपीन का तेल एवं जल का अपवर्तनांक क्रमशः 1.44 है ना, 1.44, 1.47 एवं 1.33 है। प्रकाश की अधिकतम गति क्या होगी, है ना, मतलब प्रकाश की अधिकतम गति किस में होगी। प्रकाश की अधिकतम गति क्या मिट्टी के तेल में होगी, या फिर तारपीन के तेल में, या फिर जल में, या फिर चाल सभी के, या फिर चाल सभी में बराबर होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जल में। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे कोई तारा पृथ्वी से दूर जा रहा है, पृथ्वी पर बैठा निरीक्षक तारे से प्राप्त प्रकाश के संबंध में क्या अनुभव करेगा। क्या वह तरंग दैर्ध्य में कमी महसूस करेगा, या फिर तरंग दैर्ध्य में वृद्धि महसूस करेगा, तरंग दैर्ध्य में, या फिर वो कोई परिवर्तन महसूस नहीं करेगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दो, तरंग दैर्ध्य में वह वृद्धि महसूस करेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन संबंधित है। देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित चार में से तीन किसी तरह एक मेल है ना, तीनों में जो दिए गए ऑप्शन है, तीन में किसी में एक प्रकाश का संबंध है एवं एक समुदाय बनाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक समुदाय संबंधित नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा समुदाय है जो एक दूसरे से संबंधित नहीं है, क्या वह उत्तरी अमेरिका है, या फिर अर्जेंटीना है, या फिर अफ्रीका है, या फिर ऑस्ट्रेलिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्जेंटीना। अब देखिए, यहाँ पे आप लोग इसका थोड़ा सा गूगल में सर्च करेंगे, तो वहाँ पे आपको ऐसा देख सकते हैं आप लोग कि ये जो अर्जेंटीना है, हो सकता है कि ये महाद्वीप के हिसाब से अलग अलग हो, या फिर जो गोलार्ध होते हैं उसके हिसाब से। ओके, हमारा छठवां नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ही इजी है, यहाँ पे कोई मॉडरेट क्वेश्चन नहीं है, कि किस राज्य में गोल गुंबज स्थित है। आई होप आप सभी को इसका आंसर पता ही होगा, फिर भी आपके सामने चार ऑप्शन है जिसको मैं पढ़ देता हूँ। क्या गोल गुंबज कर्नाटक में स्थित है, या फिर महाराष्ट्र में स्थित है, या फिर उत्तर प्रदेश में, या फिर बिहार में। तो इसका अगर आप सभी को आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट्स में कमेंट करके ज़रूर लिखेगा, और मैं तो बता ही देता हूँ इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। जी हाँ, गोल गुंबज कर्नाटक राज्य में स्थित है। ओके, यहाँ पे अब हमारा अगला क्वेश्चन है सातवां नंबर का, यदि कोई औद्योगिक इकाई है ना,
यदि कोई औद्योगिक इकाई को रुग्ण इकाई यानी कि यहाँ पे सिक के बाद मतलब एकदम सिक वीक यानी कमजोर की बात कर रहे हैं, है ना, यदि कोई औद्योगिक इकाई को रुग्ण इकाई घोषित करते हैं तो इसे कहाँ संदर्भित किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपसे आप सभी के ऑप्शन है। यहाँ पे पहला ऑप्शन है BIFR या फिर DRT या फिर SEBI यानी कि सेबी या फिर एस मतलब MSME। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिफर। ठीक है, यदि कोई औद्योगिक इकाई को है ना रुग्ण इकाई घोषित करते हैं तो उसे बिफर से संबंधित मतलब संदर्भित किया जाता है। ओके, अब यहाँ पे 8वां नंबर का क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा एंटर है ना, एंटवर्प एक जगह है ना जो फेमस है, हीरे के तराशने एवं व्यापार का एक अग्रणी स्थल है। आपको बताना है कि जो एंटर्प है वो कहाँ स्थित है, क्या एंटवर्प है ना यहाँ पे लग्जमबर्ग में स्थित है या फिर फ्रांस में स्थित है या फिर नीदरलैंड में या फिर बेल्जियम में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, है ना, यानी कि जो एंटवर्प है वो बेल्जियम में स्थित है ना। यहाँ पे अगला नंबर का क्वेश्चन है जो कि करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है 2015 के हिसाब से। आप सभी को यहाँ पे बताना है कि 19 दिसंबर 2014 को लोकसभा में पेश किया गया GST विधेयक है ना, संवैधानिक संशोधन विधेयक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि 2014 में जो लोकसभा में जो GST विधेयक पेश किया गया था वो कौन से नंबर का संविधान संशोधन विधेयक था, है ना। तो क्या वह 121वां संविधान संशोधन विधेयक 2014 है या फिर 122वां संशोधन विधेयक 2014 है या फिर 124वां संविधान संशोधन है या फिर 119वां संविधान मतलब संशोधन विधेयक 2013 है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 है ना, 122वां संशोधन विधेयक 2014 है। ओके, हमारा अगला नंबर का क्वेश्चन है जो कि बेसिकली GK से रिलेटेड है ना, वर्ल्ड GK से, कि यहाँ पे महान एशियाई नदी मेंगकॉन्ग निम्नलिखित में से कहाँ से होकर नहीं बहती है। आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शन में से जो मेंगकॉन्ग नदी है कहाँ से होकर नहीं बहती है, क्या वह चीन से होकर नहीं बहती है या फिर मलेशिया से या फिर कंबोडिया से या फिर लाओस से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 है ना, ऑप्शन नंबर 2 यानी कि मलेशिया से होकर है ना जो महान एशियाई नदी मेंगकॉन्ग है वो नहीं बहती है ना। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित में से रिजर्व ऑफ इंडिया द्वारा तंत्र में अतिरिक्त है ना तंत्र में से अतिरिक्त मुद्रा को बाहर निकालने के लिए है ना एक यंत्र के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, रिवर्स रेपो रेट बढ़ाकर। ओके, यहाँ पे अब हम लोग बढ़ते हैं जो कि बेसिकली GK से है ना, GK यानी कि बुक से रिलेटेड है। यहाँ पे तो आपको एक चीज़ बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कालिदास द्वारा लिखा गया नहीं है, मतलब जितने भी यहाँ पे आपको रचनाएं दिखेंगी ना आपको बताना है कि इनमें से कौन सी ऐसी रचना है जो कालिदास द्वारा नहीं लिखा गया है। तो इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा कुमार संभवम या फिर ऑप्शन नंबर 2 है लघु जातकम या फिर मेघदूतम या फिर रघुवंशम। तो आई होप जिन्होंने कालिदास को जो फॉलो करते होंगे या फिर जिनको पता है कालिदास की कौन कौन सी रचनाएं हैं उनको बेसिक और डेफिनेटली याद होगा कि कौन सी कालिदास की रचनाएं नहीं है। तो इसका नाम ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका सही आंसर। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं 13वां नंबर के क्वेश्चन की ओर से जो कि बेसिकली रिलेटेड है कंप्यूटर से, कि कंप्यूटर के अंदर संख्याओं को भंडारित यानी स्टोर करने के लिए है ना स्टोर एवं संरचना संचालन किया जाता है। तो आप सभी को पता ही होगा कि कंप्यूटर में जितने भी जो फॉर्मेट होते हैं चाहे वो ऑडियो हो या वीडियो या फिर कोई भी फाइल, आप सभी को पता है कि वो बाइनरी डिजिट में ही स्टोर होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है ना, बाइनरी स्वरूप में ही वो जो है डेटा स्टोर होता है और साथ ही साथ जो फ्लो होता है। ओके, हमारा 14 नंबर का क्वेश्चन है, 14 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आप लोग पूछ रहा है कि है ना क्वेरिटी किसके संदर्भ में प्रयोग किया जाता है, क्या क्वेरिटी स्क्रीन लेआउट के संदर्भ में मतलब प्रयोग किया जाता है या फिर माउस बटन लेआउट के संदर्भ में या फिर कीबोर्ड लेआउट के संदर्भ में या फिर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के संदर्भ में प्रयुक्त किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कीबोर्ड लेआउट के संदर्भ में क्वेरिटी प्रस्तुत मतलब प्रयुक्त किया जाता है। ओके, हमारा 15वां नंबर का क्वेश्चन है कि वातावरण में सबसे ज़्यादा ओजोन का संकेंद्रण कहाँ होता है। तो आपको ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे आयन मंडल में, मध्यम मंडल में या फिर समताप मंडल में या फिर शोभ मंडल में। बहुत ईजी, मैं बोलता हूँ ये 6th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है तो इसका आंसर आप लोग आई होप गलत नहीं करेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 है ना, समताप मंडल में जो ओजोन का संकेंद्रण है वो सबसे ज़्यादा होता है। ओके, यहाँ पे आप देखिए ये जो बेसिकली आप लोग बोल सकते हैं नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बेसिक GK का है, कोई हाई लेवल का आपसे GK नहीं पूछा गया है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि टैगोर पहले एशियन थे जिनको नोबेल पुरस्कार साहित्य में मिला था। आई होप आप सभी को पता होगा कि रविंद्रनाथ टैगोर ही पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनको है ना जिनको एशिया में साहित्य के फील्ड में पहला नोबेल प्राइज मिला था। ओके,
तो यहाँ पे आपसे एक चीज़ और मैं पूछ रहा हूँ आप सभी को, अगर ये वीडियो अगर आप यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ आप कमेंट्स में कमेंट करके बताइएगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर को कब साहित्य के फील्ड में नोबेल प्राइज़ दिया गया था, कौन से सन में। ओके, तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं फिर, साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाला दूसरा एशियन देश कौन सा है। तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन मिलते हैं, क्या वह चीन देश था, या फिर जापान था, या फिर भारत था, या फिर पाकिस्तान था। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दो, जापान को, है ना। जापान एक ऐसा देश है, मतलब दूसरा एशियन देश है जिसको इंडिया के बाद दूसरा नोबेल प्राइज़ मिला है। ओके, 17 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, बेसिकली ये उस टाइम का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है कि सूर्य किरण, है ना, V7 संयुक्त सैनिक, है ना, सैनिक अभ्यास भारत और किस पड़ोसी दक्षिण एशियाई देश के मध्य हुआ था। तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाता है, क्या वह भूटान के साथ हुआ था, या फिर बांग्लादेश के साथ, या फिर श्रीलंका के साथ, या फिर नेपाल के साथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, है ना, ऑप्शन नंबर फोर, नेपाल, है ना। सूर्य किरण V7 संयुक्त सैनिक अभ्यास भारत और नेपाल के बीच हुआ था। ओके, हमारा अगला नंबर का क्वेश्चन है जो कि बेसिकली करेंट अफेयर्स है, यानी कि जीएसटी से संबंधित है, कि सेवा कर की नई दर जो कि 14% से लगाई जा रही है कब से प्रभावी रूप से है। तो आप सभी को बताना है कि 14% जीएसटी भारत में कब से लगा, है ना। क्या यह 1 मई 2015 से लागू हुआ, या फिर 1 अप्रैल 2015 से, या फिर 1 जुलाई 2015 से, या फिर 1 जून 2015 से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 1 जून 2015 से जो 14% जीएसटी है वो इंडिया में चालू हुआ था। ओके, यहाँ पे आप सभी को 19वां नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि म्यादी बुखार यानी कि टाइफाइड, है ना, किसके कारण होता है। तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन मिल जाते हैं, क्या टाइफाइड या फिर म्यादी बुखार वायरस के कारण होता है, या फिर बैक्टीरिया जीवाणु के नाम से, या फिर फफूंद फंगी के नाम से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वायरस के नाम से होता है टाइफाइड बीमारी। ओके, अब हमारा आज का 20वां नंबर का क्वेश्चन है, 20वां नंबर से क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि किस ताल में 16 मात्राएँ होती है, क्या वह झप ताल में होती हैं, या फिर रूपक ताल में होती है, या फिर तीन ताल में होती है, या फिर आदि ताल में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री, है ना, तीन ताल में आपको 16 मात्राएं देखने को मिलेंगी। ओके, आज का हमारा 21वां और आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, है ना, डॉस किसी भी, है ना, डॉस किसी भी आंकड़ों को डिस्क से निकाल नहीं सकता, यदि कंप्यूटर वायरस कंप्यूटर के खाली स्थान को ख़राब कर देता है। तो यहाँ पे आपको पहला ऑप्शन मिल जाता है, क्या वह कंप्यूटर वायरस फाइल लोकेशन टेबल को ख़राब कर देता है, या फिर बैट फाइल को ख़राब कर देता है, या फिर रूट डायरेक्टरी एरिया को, या फिर डायरेक्टरी एरिया को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पहला ऑप्शन, फाइल लोकेशन टेबल को अगर कंप्यूटर वायरस ख़राब कर देता है तो डॉस किसी भी आंकड़ों को डिस्क से निकाल नहीं सकता। तो उम्मीद करता हूँ ये जो इतना जो वीडियो का सीरीज़ था, आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। इसके अलावा जो वीडियो का जो मतलब टेस्ट सीरीज़ है वो तो ऑलरेडी आपको मिलने ही वाला है कुछ ही टाइम बाद, वो भी आपको मिल जाएगा यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। और देखिए यार, मेरे को थोड़ा सा ख़राब एक चीज़ फील हुआ कि इतने मेहनत करके डेडिकेटेड होकर आप लोग क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं, ये जो है बनाते हैं, तो प्लीज़ अगर आप वीडियो को देख रहे हो तो पूरा देखिएगा, अदरवाइज देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर किसी को नीड होगी PDF की तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, उसको मैं प्रॉपर तरीके से PDF सेंड कर दूंगा। तो फिर चलिए मिलते हैं और इसके नेक्स्ट सीरीज़ में नई वैकेंसी अपडेट के साथ, तब तक सबको बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद, वंदे मातरम।